Dear students of 9th class, today we will discuss one of the important term of the same chapter, likes and angles. Previous lecture mein humne discuss kiya tha vertically opposite angles, and today we will discuss the important term for the same chapter, likes and angles. The statement of the term is the vertically opposite angles are equal. Jo vertically opposite angles होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूव करना है. जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो क्या होते हैं, सिंपली इफ वी हैव टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द सेम प्लेन, वहां से हमारे पास जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनके दरमियान रिलेशन होता है, एंड वी हैव टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. टेकिंग हियर द प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट, उसके लिए हमें दो लाइंस चाहिए. ये दो लाइनें हम ले रहे हैं, सो इट इज एल लाइन, इट इज एम लाइन, एंड दीज टू लाइनें इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, एंड क्लियरली वी गेट फोर एंगल्स हियर. से एंगल वन यहाँ पे हम लेंगे, इसका नाम हम एंगल टू लेंगे, इसका नाम हम एंगल थ्री लेंगे, एंड इसका नाम हम एंगल फोर लेंगे. डियर स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू शो हियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ सी हियर डियर स्टूडेंट, दिस एंगल वन एंड एंगल थ्री आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हियर, एंड एंगल टू एंड एंगल फोर आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंड वी हैव टू शो हियर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री. डियर स्टूडेंट, इसी तरह हमें यहां पर शो करना है एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर. डियर स्टूडेंट, नाउ वी टेक द गिवन ऑफ दिस टर्म. गिवन हमारे पास क्या है, we have to show vertically opposite angles are equal, then we have to give lines jahan se hame wo do intersected sorry vertically opposite angles milenge. Given, consider l and m, kyunki we have given here vertically opposite angles, ye hamare paas given. जब हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वी हैव देन गिवन टू स्ट्रेट लाइंस बाय विच वी गेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. उन्हीं दो लाइंस का नाम, एक का नाम हम एल रख रहे हैं, दूसरे का नाम एम. कंसीडर एल एंड एम बी टू लाइंस, बी टू गिवन लाइंस इंटरसेक्ट each other at point O. Take A. It's called A film. Dear students, we have to show angle 1 is equal to angle 3 and angle 2 is equal to angle 4. To prove kya karna hai hame? Angle 1 is equal to angle 3 and aur ye bhi show karna hai angle 2 is equal to angle 4. Do cheeze yahan pe hame show karni hai, angle 1 equal to angle 3, that is this pair angle 1 angle 3 जो vertically आपको pair of vertically opposite angles वो हमें equal दिखानी है, इसी तरह 2 and angle 4. एक केस को हम discuss कर लेंगे, दूसरा केस तो similar manner में होगा. We now show this angle 1 is equal to angle 3. Proof. Taking this as P here, इसका नाम रख लेंगे यहां पे हम Q. Consider जो हमारे पास M is a line and OP is a ray standing on it. Then angle 1 and angle 2 are linear pair angle. And the sum of linear pair angle is 180. Consider OP is a ray stand at O, then angle 1, angle 2 are linear pair angles, LP angles.
देयरफॉर तब जाके क्या होगा हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 बाय एक्शन जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इट इज गिवन बाय एक्शन कि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 इसी तरह अगर हम मान के चले कि ओक्यो इट इज अ रे स्टैंडिंग एट लाइन हिल ऑल्सो ओक्यो इज अ रे स्टैंडिंग एट पॉइंट ओ ऑन द लाइन देन तब जाके हमारे पास होगा एंगल 2 एंगल 3 इज अ लीनियर पेयर एंगल बी एंगल्स ये भी लीनियर पेयर एंगल्स है तब जाके बाय एक्शन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 इट इज बाय एक्शन इसको मान के चले इट इज द फर्स्ट इक्वेशन इसको मान के चले इट इज द सेकंड Now, dear student, this here in first equation, angle 1 plus angle 2 equal to 180. In second equation, angle 2 plus angle 3 equal to 180. First equation ka right side 180 ke barabar hai, isi tarah second equation ka right side bhi 180 ke barabar. Tab jaake hamare paas left sides are also equal. From first and second. फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलेगा व्यू वी गेट हमारे पास होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट इज इक्वल टू सेकंड में एंगल 2 प्लस एंगल 3 फर्स्ट में एंगल 1 प्लस एंगल 2 व्हिच इज 180 एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 के बराबर बट 180 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 2 प्लस बट इट इज द मेजर ऑफ एंगल 2 इट इज मेजर ऑफ एंगल 2 इट इज रियल नंबर ये कैंसिल होंगे एंगल 2 विल गो विद एंगल 2 दिस इंप्लाइज अस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल यू हैव हियर प्रूव्ड नाउ सेकंड केस जो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वी कैन आल्सो प्रूव दिस इन सिमिलर वे सिमिलरली यहां पे आप इस तरह लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इस सिमिलर स्टेप से इसका प्रूफ आएगा व्हेन वी टेक द सिमिलर स्टेप्स हियर वी गेट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 डियर स्टूडेंट्स नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस Some more important basic concepts of the same chapter lines and angles. इससे पहले कि हम इस वीडियो का इख्तिताम करें, dear student, subscribe my channel ताकि आने वाले हर next वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. Thank you. Have a nice day.